नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और बात सबसे पहले तीन राज्य की करेंगे, दिल्ली, इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन तीनों ही राज्य में आज क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ हलचल होने वाली है, इस पर हम नजर डालेंगे। कुछ ही देर में हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान को आज वंदे भारत एक्सप्रेस की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अनशन के बाद भी सचिन पायलट पर कांग्रेस का रुख नरम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कल सचिन पायलट की तरफ से अनशन किया गया था और उसी बीच गहलोत की तरफ से बैठक की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि कल महत्वपूर्ण बैठक उनकी तरफ से की जाएगी। तो देखिए, आज गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी, कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं उनकी तरफ से। तो नज़र इस पर भी रहेगी आज पूरे दिन कि आज इस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही देखिए, प्रियंका गांधी का बस्तर दौरा है, बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा, और इस दौरान जनसभा को वो संबोधित करेंगी। इसके बाद देखिए, दिल्ली से लखनऊ तक तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है राजस्थान में धूल भरी आंधी लोगों को परेशान कर सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण आज किया जाएगा। सुबह 10 बजे प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। उसके लिए देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सीएम की मौजूदगी उसमें रहेगी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही थी। इसी के साथ ही देखिए, सीएम योगी की तरफ से पुलिस की तकनीकी सेवाओं के कार्यों की भी समीक्षा की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि सीसीटीवी से लैस हो प्रदेश के सभी थाने। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर तत्काल कार्रवाई करें, यानी कि इस काम को लेकर तेजी लाएं और जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। इसके साथ ही देखिए, उत्तराखंड में आज क्या कुछ रहने वाला है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। जिस तरह से आंकड़े लगातार कोरोना के बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी देखिए लगातार आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब चिंता शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। सीएम धामी इस दौरान मौजूद रहेंगे और इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो आज ये तमाम खबरें रहने वाली है जिस पर हमारी नजर रहेगी और इसको लेकर हमारे रिपोर्टर्स भी लाइव जुड़ेंगे, कुछ ही देर में उनसे भी बातचीत करेंगे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ी सौगात राजस्थान वासियों को देने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राजस्थान वासियों को, आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन की ओर से अजमेर दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि इसके लेकर तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। हालांकि देखिए, आज हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाई जाएगी, लेकिन इसका नियमित सेवा जो मतलब यानी कि जो इसकी शुरुआत है वो कल से होगी, यानी कि 13 अप्रैल से होगी। आपको बता दें कि जयपुर, अलवर और गुड़गांव से होते हुए राजस्थान के अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच ये ट्रेन दौड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात राजस्थान वासियों के लिए भी, इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इसी के साथ ही देखिए, अगर हम राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात करते हैं, तो कल जिस तरह से अशोक गहलोत द्वारा अनशन किया गया था, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, वो अपनी सरकार से ही शिकायत कर रहे थे, गहलोत से लगातार शिकायत कर रहे थे। हालांकि देखिए, अब इस पर एक बड़ा रुख अपनाया गया है। सीएम अशोक गहलोत की तरफ से आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। हालांकि आज इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम रहेगा, क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, आगे के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी, इन तमाम चीज़ों को देखना अहम हो जाता है। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी आज बस्तर में रहेंगी। आज बस्तर में उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी और जनसभा को भी संबोधित करती हुई वो नजर आएंगी। इसी के साथ ही देखिए, इससे पहले अगर मौसम की बात करें
तो लगातार बारिश के चलते लोग परेशान हो रहे थे, गर्मी से निजात जरूर मिल रहा था लेकिन किसानों की चिंता बढ़ चुकी थी। अब देखिए एक बार फिर से गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है, धूल भरी आंधी चलेगी, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। कई राज्य में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक और इसी के साथ ही अब गर्मी लोगों को सताने लगी है। तो देखिए तमाम चीज़ें रहने वाली हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी और इन खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल कुछ ही देर में हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे। तो इसी बीच हमारे साथ राज वर्मा लखनऊ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं और उसी के साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ हैं उत्तराखंड से सुभाष गौर जी, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सुभाष जी मैं आपका ही रुख करूंगी और सवाल सबसे पहले ये कि देखिए कोरोना लगातार पैर पसार रहा था, इससे पहले देखिए उत्तराखंड के लिए कहा जा रहा था कि ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है लेकिन अब देखिए जिस तरह से कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी अब लोगों के लिए चिंता बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मंगलवार को कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज राजधानी देहरादून में देखे गए उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के कुल मामले 108 आए हैं, यानी कि एक दिन में 108 मामले जिस तरीके से प्रदेश में आए हैं, उसके बाद प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य विभाग के और उसके साथ ही सरकार भी काफी ये कहा जा सकता है कि चुस्त दुरुस्त हो गए हैं कोरोना को लेकर, और सरकार ने गाइडलाइंस पालन कराने के निर्देश सभी जिला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को दे दिए। लेकिन बड़ी चीज यह है कि एकदम से जिस तरीके से कोरोना के मामले प्रदेश में बढ़े हैं उसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पे, और बड़ी चीज यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य प्रदेश में हो जाएगा। तमाम जो भी लोग बाहर जाते हैं वो या तो सावधानी के साथ बाहर जाएं और यदि जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए नजर आने चाहिए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को भी दिशा निर्देश राज्य सरकार की तरफ से दे दिए गए। लेकिन बड़ी चीज यह है कि कोरोना, जैसे मैं पहले भी बताता था कि कोरोना सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मैदानी क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ उत्तराखंड में नजर आता है, और वही नजर आया राजधानी देहरादून में जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, ना केवल उत्तराखंड वासियों की बल्कि बाहरी प्रदेश के लोग भी बहुत अधिक संख्या में देहरादून में रहते हैं और आवाज जहाँ उनका लगातार होता है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर की बात कर ली जाए तो देहरादून से सटा हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो वो भी देहरादून की दो सीमाओं से सटा हुआ है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से बाहरी प्रदेश के लोग उत्तराखंड में आते हैं अपने व्यवसाय को करने के लिए, और अपने प्रदेश के लोग भी बाहरी राज्यों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी राज्य सरकार जल्द कुछ कड़े कदम निकालेगी। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी मरीज यदि कोरोना का अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको बेहतर उपचार मिल सके, उसके लिए बेहतर व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की जाए और उसे ठीक कर वापस उसके घर भेजा जाए। हालांकि रिकवरी जो रेट है पहले पिछले दिनों बहुत तेजी से बढ़ रहा था लेकिन अब रिकवरी संख्या है वो जरूर कम है और प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 62 ऐसे मरीज हैं जो मंगलवार को राजधानी देहरादून में पाए गए, 108 मरीज वो हैं जो पूरे प्रदेश में पाए गए, जिसमें से हरिद्वार दूसरे नंबर पर और धर्मसिंह नगर तीसरे नंबर पर। जैसे कि मैं पहले भी कहा कि तीनों मैदानी क्षेत्र है और इन मैदानी क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन इन तीनों ही जिलों में ये कहा जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों में जो व्यवस्था है वो अन्य जिलों से बेहतर है, और यही वजह है कि प्रदेश के तमाम पहाड़ी जिलों के जो मरीज हैं वो राजधानी देहरादून आते हैं, हरिद्वार आते हैं या फिर कुमाऊं मंडल में उधम सिंह नगर आते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और जो सीएमओ हैं जो जिले के प्रभारी होते हैं अस्पतालों के, उनको भी अलर्ट पे रखा गया और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि वो अस्पतालों की मॉनिटरिंग करें और तमाम जो भी मूलभूत सुविधाएं अस्पतालों में चाहिए उनकी तैयारी करके रखे और अस्पताल में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो उसके लिए भी अस्पताल के डॉक्टर्स को ये मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं अस्पताल को उनको समझा कर रखें और तमाम जो ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी उनको भी कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और मास्क का पालन करें, साथ ही वो भी सुरक्षित रहें। जी
बिल्कुल, तो देखिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम पाबंदियों का दौर इसलिए शुरू हो चुका है, देखिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ही कई राज्यों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और चिंता के बात सरकार के लिए भी, लेकिन साथ ही साथ चिंता लोगों के लिए भी बढ़ जाती है इस बीच। ठीक है सुभाष जी, लौटूंगी आपके पास। इस बीच राज वर्मा हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार फटाफट से उनका भी रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले तो राज ये बताइएगा कि आज अहम कार्यक्रम होने जा रहा है, लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण आज होगा, सुबह 10 बजे प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट, किस तरह से रहने वाला है पूरा शेड्यूल? पहली बात तक बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लालजी टंडन को राज्यपाल जो रहे हैं, स्वर्गीय उनको उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ कई संगठन के मंत्री और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम लगभग 10 बजे के आसपास कालीचरण पीजी कॉलेज में लखनऊ में होगा, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचकर ये कार्यक्रम का अनावरण करेंगे। वहीं उसके बाद बता दें कि लगभग 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर टीम 9 के साथ बैठक है, जहां पर कोरोना को लेकर बैठक की जाएगी और कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। जो देखा जा रहा है लगातार मॉकड्रिल की सेवाएं लगातार उसको लेकर प्रैक्टिस की जा रही है सभी राज्यों में, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भी मॉकड्रिल को लेकर प्रैक्टिस की जा रही है। ऐसे में कोरोना जो है वो लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के लिए भी एक चिंता का कारण है, तो ऐसे में उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उसको बैठक करेंगे, जहाँ पर टीम 9 की टीमें जो अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, उनके साथ बैठक होगी और कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखा जा रहा है ये भी कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त रुख अपनाते रहते हैं, ऐसे में उन्होंने बीते दिन 1090 और 112 यूपी पुलिस को लेकर बैठक की थी, समीक्षा किया, उनके किए गए कार्यों को अब तक के लिए जायजा लिया। उसमें अभी तक जो रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें बताया गया कि 84% जो 112 और 1090 पर सूचनाएं आती हैं उसको लेकर निराकरण उनके तुरंत ही कर दिया जाता है। ऐसे में लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से आम जनता को समस्या ना हो उसको लेकर वो खास ख्याल रखते हैं। ऐसे में देखना यह भी होगा कि किस प्रकार से आगे की रणनीति रहेगी प्रदेश की सरकार, चाहे वो कोरोना को लेकर हो चाहे वो कानून को लेकर हो, लगातार वो बैठकें करते हैं, लगातार उस पर समीक्षा करते हैं, तहसील दिवस मनाते हैं, हर साल जन सुनवाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों का एक भारी प्रभाव पड़ता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी स्वयं समीक्षा करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है राज, लौटूंगी आपके पास। इस बीच सुदीप हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, सीधा रुख सुदीप का करेंगे और जानकारी लेंगे उनके पास क्या कुछ अपडेट है। सुदीप, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो देखिए आज बड़ी सौगात उनकी तरफ से राजस्थान वासियों को मिलने जा रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, क्या जानकारी सबसे पहले तो इसको लेकर? जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन आज राजस्थान प्रधानमंत्री मोदी स्वागत करेंगे, उसके साथ आप देख सकते हैं कि पिछले 7-8 दिनों में आप देखेंगे कि चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी इस राज्य को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। अभी आप पिछले दिनों देखे जिस तरीके से कर्नाटक में उन्होंने दिया था, दक्षिण भारत में 2 ट्रेन दी थी, आपके मध्य प्रदेश में दी थी, और आज जो नंबर है वो राजस्थान का नंबर है, जो की ट्रेन ये बिल्कुल एक जगह। लेकिन सुदीप मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए एक जगह तो बड़ी सौगात राजस्थान वासियों को मिलने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खुशी, लेकिन दूसरी तरफ एक कांग्रेस भी है, जिस तरह से कल खलबली हमने कांग्रेस में देखी, राजस्थान कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो सचिन पायलट की तरफ से अनशन किया गया और उसके बीच ही गहलोत की तरफ से ये कहा गया कि वो कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं, आज वो बैठक होने जा रही है, क्या कुछ अहम रहने वाला है, कितने बजे बैठक होगी, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए साथी, कल जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर उनका बैठना, 2024 लोकसभा चुनाव पास है उसके बावजूद गठबंधन है, तो इसके साथ तो आप ये जान सकते हैं कि सचिन पायलट जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, जिस राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उसमें 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो है और 7 करोड़ में जिस समाज से आते हैं गुर्जर समाज से लगभग 33 लाख यानी कि 7% मतदाता उसके केवल है। और आप साफ तौर से भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं और गुर्जर समाज का
राजस्थान में लगभग राजस्थान में जो 200 सीटों हैं उन 200 सीटों पर 55 सीटों पर गुर्जर समाज का है। तो ये कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट की जो अड्रे लगाई जा रही है वो पार्टी छोड़ेंगे जो आंसर दे रहे हैं, तो मान लीजिए थोड़ी देर में भी क्लियर हो जाएगा जब दिल्ली पहुंचेगा वो आला कमान की बातचीत होगी, उनकी मीटिंग होगी। लेकिन इस सारे मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शादी हुआ, आप कल ही देख लीजिए जिस तरीके से उनका आंसर था आंसर में बस सचिन पायलट के चाहने वाले लोग उसमें आंसर में शामिल थे, जबकि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा उसमें शामिल नहीं था या कांग्रेस का कोई वहां का विधायक उसमें शामिल नहीं था। आज जब वो दिल्ली सचिन पायलट दिल्ली आएंगे मुलाकात करेंगे तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 पास में है। ऐसे में अगर वो बीजेपी का दामन थामते हैं, जुटकई लगाई जा रही है, आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं, तो ये कांग्रेस में वाकई एक बहुत बड़ी समझिए की हार होगी। अब जिधर दूसरी तरफ देख लीजिए आप जिस तरीके से राहुल गांधी सदस्यता की उसके बाद 2017 में जब सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास लूंगी जब इनको राहुल गांधी को बनाया गया था अध्यक्ष, और तब से लेकर 6 साल बीत गया, आपने भी देखा होगा किस तरीके से सोनिया गांधी राजनीति से लगभग बैठ चल रही थी, राजनीति में ना पार्टी में और ना ही किसी की मीटिंग में ना ही किसी धरने प्रदर्शन में शामिल हुई थी। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जिस तरीके से सोनिया गांधी राजनीति में फिर से सक्रिय हुई, हर धरने में आप देखते हैं तो लगभग काली साड़ी पहनकर आती है। अब ऐसे में सचिन पायलट जो राजस्थान का बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो 55 सीटों पर उनके समुदाय का उनके जात का कब्जा रहा है, लगभग 7% यानी कि 33 लाख वोट उनका है। बिल्कुल सुनील, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अनशन आने वाले समय में कांग्रेस के लिए भारी मुश्किलें खड़ा कर सकता है, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में कुछ ही महीनों में, और सिर्फ इसी साल नहीं 2024 भी है सामने, कड़ी चुनौती जिस तरह से अगर हम राजस्थान की बात करें दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलती है। लेकिन इस बीच देखिए कांग्रेस अपनी अंतर्कलह ही सुलझा नहीं पा रही, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है गहलोत सरकार की तरफ से, और इस बैठक में कैबिनेट बैठक में क्या कुछ देखने को मिलेगा इसको लेकर भी जानकारी हमारे अपने जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच सुदीप, प्रियंका गांधी बस्तर में उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी, जनसभा वो आज करने जा रही है बस्तर पहुंचकर, क्या जानकारी इसको लेकर अपडेट? देखिए जिस तरीके से हमने पहले बताया कि चुनाव पास में तो चुनाव में सारी पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है, जहां एक तरफ विपक्ष जो है एकजुटता के साथ आ रहा, वहीं अभी देख लीजिए आपकी कल ही दौरा था प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का वायनाड दौरे पर, आज छत्तीसगढ़ में जब उसी क्षेत्र में, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये दौरा करने जा रही, वहां पे महिला सशक्तिकरण के तहत ये महिलाओं को भी संबोधित करेंगी, और इन सबसे ऊपर हट के वहां पर वहां के जो नेता हैं नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पूरे देश को जोड़ सकते हैं, पूरे देश में पैदल यात्रा कर सकते हैं, हम भी इस सरकार के खिलाफ यानी कि बीजेपी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार कर रही है, जो लोगों को फर्जी केस फंसा रही है, उस मामले पर हम लोगों के घर घर तक जाएंगे और सरकार की नाकामियों के बारे में बताएंगे। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपने सांसदों को एक नसीहत दी थी, सांसदों को निर्देश दिए थे कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, संसदीय क्षेत्र में जाइए, वहां पर अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलिए, सरकार की योजनाओं का बिल्कुल, और साथ ही साथ देखना ये भी होगा कि जब आज प्रियंका गांधी पहुंचेंगी वहां पर तो क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। ठीक है सुदीप, लौटूंगी आपके पास। सुभाष जी हमारे ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड से, लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुभाष जी, उत्तराखंड में आज पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ होने जा रहा है, सीएम धामी के साथ साथ उनके कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे, क्या जानकारी इसको लेकर? जी, सुबह लगभग 11 बजे कार्यक्रम किया जाएगा और राजधानी देहरादून के सर्वे एडिटोरियम में कार्यक्रम किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है और वर्चुअली रूप से खुद मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री भी इसमें जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि लगातार पशुपालन विभाग की तरफ से देखा जा रहा था कि पशुओं की सुरक्षा और तमाम चीजों को लेकर इस तरीके के कार्यक्रम कराने के दिशा निर्देश भी विभाग द्वारा और विभागीय मंत्री द्वारा किया जा रहा था, तो इसी कड़ी में एक कार्यक्रम रखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे, विभागीय मंत्री सौरभ भगुड़ा भी मंत्री मौजूद रहेंगे, और साथ ही सबसे बड़ी चीज यह है कि कृषि मंत्री गणेश जोशी जी भी मौजूद रहेंगे, यानी कि दो कैबिनेट मंत्री के साथ प्रदेश के मुखिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और बड़ी चीज यह है कि पशुओं को लेकर जिस तरीके से लगातार ये बातें की जा रही थी कि पशुपालन को बेहतर तरीके से प्रदेश में बढ़ाया जाए, उनको बेहतर तरीके से पशुपालन के जरिए रोजगार पहाड़ों में दिया जाए, तो इन तमाम चीजों को लेकर ये आज कार्यक्रम किया जा रहा है। स्वाति जी चलिए ठीक है, सुभाष जी लौटूंगी आपके पास।
राज हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। एक बार फटाफट से राज का भी रुख कर लेते हैं। राज, देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सौगातें लोगों को दी जा रही हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस बीच देखिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पुलिस की तकनीकी सेवाओं के कार्यों की समीक्षा भी की गई है। अब उनकी तरफ से कई दिशा निर्देश भी वहां पर दिए गए जो अधिकारी थे। क्या कुछ महत्वपूर्ण इस दौरान रहा, सीएम योगी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? राज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, बिल्कुल बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त रुख अपना रहे हैं। ऐसे में चाहे कानून का खिलवाड़ बनाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर हम बेटे दिन की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा समीक्षा बैठक की गई, जिसमें 10 90 और 112 यूपी पुलिस को समीक्षा में मौजूद थे, उनके आला अधिकारी मौजूद थे। ऐसे में उनके साथ बैठक की गई और अभी तक की गई कार्यवाही का विवरण मांगा गया। वहीं उसमें सबसे ज्यादा जो 112 की सूचना पर आई हुई सूचनाओं को लेकर कितने निराकरण हुए और कितने प्रतिशत इस पर काम हुआ, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से समीक्षा के दौरान पता चला कि 84% जो शिकायतें आती उनको जमीनी स्तर पर ही वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है, उनका सही निराकरण कर दिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रदेश की सरकार है वो लगातार कानून व्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर लगातार खुद समीक्षा बैठक करते हैं और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी करते हैं। उसके साथ साथ एडीजी लाइन प्रशांत कुमार के साथ बैठक होती है, उसके साथ साथ डीजीपी के साथ बैठक होती है। कहीं ना कहीं ये सब चीजों को देखकर प्रदेश के कानून व्यवस्था में एक बड़ा सुधार आ गया, जहां पहले जैसे की सरकारों में मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि पहले की सरकारों की तरह जो गुंडाई होती थी वो हमारी सरकार में नहीं हो पाती, चाहे वो अतीक अहमद हो या कोई भी उमेश पाल हत्याकांड को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उस पर कानून का शिकंजा कस गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखते हुए प्रदेश की सरकार लगातार कानून व्यवस्था में सुधार कर रही है और एक नई रणनीति के साथ एक रोड मैप बनाकर कानून को आगे की राह पर लेकर चल रही है। जी ठीक है राज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सुदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए थे, वो भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज रहने वाले हैं, सब पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट हम आप तक इन खबरों से जुड़ी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रुख खबरों का करेंगे और बात पीलीभीत की। यूपी के पीलीभीत जनपद में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। तो वही मृतका के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मृतका का पति राजकुमार किसी अन्य महिला के प्रेम जाल में फंसा हुआ था, जिसके चलते वो अपनी पत्नी से आए दिन लड़ाई झगड़ा और मारपीट करता था। वो 20 दिन पहले उसको मायके छोड़कर चला गया था। तो वही 3 दिन पहले ससुराल आया, मारपीट झगड़ा फसाद करके चला गया, जिससे कि आहत होकर पत्नी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और वहीं झांसी की तहसील मोट क्षेत्र के ग्राम बकुआ बुजुर्ग में किसान देवेंद्र सिंह के खेत में हाई टेंशन लाइन से अचानक चिंगारी निकली और चिंगारी ने खेत में गेहूं की खड़ी फसल में चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी सूचना पुलिस और इसी के साथ ही विद्युत विभाग और फायर ब्रिगेड को दी गई। वहीं उदास किसान देवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी 18 बीघा की गेहूं की फसल खेत में खड़ी थी, जो कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हाई टेंशन की चिंगारी की चपेट में आ गई और पूरी फसल जलकर खाक हो गई। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड एवं विद्युत विभाग को दी गई, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में दमकल के कर्मचारियों ने मौजूद लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया। तो वहीं किसान देवेंद्र सिंह ने सरकार से मुआवजा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। वहीं फतेहपुर आए प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने समाज के लोगों के साथ बैठक कर निकाय चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरह से पहले भी तैयार थे और दिसंबर में भी हम लोग तैयार थे, आज भी हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हम पूरी तरह से कार्यकर्ता की परिश्रम की पराकाष्ठा के दम पर कह सकते हैं कि जिस तरह से 2014 में, 2019 और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, निकाय चुनाव में भी जनता पर हमें पूरा भरोसा है और अपने कार्यकर्ता की परिश्रम पर भी पूरा भरोसा है, बहुत अच्छे से निकाय चुनाव हम लड़ेंगे।
तो वहीं उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि हम निश्चित रूप से 6 साल की कार्यकाल देख लिया है। उत्तर प्रदेश में चाहे हमारे पेशेवर अपराधी हों, चाहे पेशेवर माफिया हो, सरकार क्या होती है ये एहसास करा दिया और कानून व्यवस्था क्या होती है एहसास कराया है और हमारे किसी भी विभाग में अनियमितता मिली है तो कर्मचारियों के साथ कार्रवाई हुई है और जेल भी भेजा गया है। हमारे पास डीआईजी रैंक के अधिकारियों की कमी थी, हमारे 2 डीआईजी रिटायर्ड हो गए थे, 1 बच्चे थे और 1 का डिमोशन हो चुका था और हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि उन्होंने हमें डीआईजी रैंक के अधिकारी उपलब्ध कराए हैं जिससे सुचारू रूप से सारा काम चल रहा है। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, बन रहे हमारे साथ, नमस्कार।